बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमीस वर्ल्ड रेसिपीज़। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तैयार हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। और दिन का जो पहला खाना हम खाते हैं ना, कोई भी चीज़ जो हम निहार मुँह खाते हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। और ब्रेकफास्ट बिल्कुल पेट भर कर करना है। और इसके साथ साथ अगर हम हेल्दी टी ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो लोग रोज़ाना ब्लैक टी पीते हैं या फिर ब्लैक कॉफ़ी या तो फिर ग्रीन टी पीते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने स्पाइसेस डाले हैं और बहुत रिफ़्रेशिंग है। टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम इसमें शहद डालते हैं, लिहाजा ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरी तो दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है, मैं रोज़ाना ये स्पाइस टी ज़रूर लेती हूँ। आप भी इसे अपने घर पर बना सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तांबे का बर्तन, क्योंकि तांबे के बर्तन में खाना पकाना बनाना बहुत मुफीद होता है, लिहाजा हमने यही बर्तन लिया है। एक पुदीने का डंठल लेंगे हम, साथ में मैंने इस तरह से अदरक को काट कर डाल दिया है इसमें, और साथ ही हम लेंगे लेमन ग्रास। और स्पाइसेस में हमें चाहिए दालचीनी, लौंग, इलायची और ब्लैक पेपर कॉर्न्स। जिस भी कप में आप पीने वाले हो ये स्पाइस टी, वो दो कप भर कर इसमें डाल देना है। और अब हमें इसे पकाना है। हम इसको इतना पकाएंगे ना कि इसमें से तकरीबन हाफ ग्लास जितना कम हो जाए, हाफ कप जितना। तो आप इसे सुबह भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। शाम को जब आप पिएं तो इसमें हाफ़ ग्लास, हाफ़ कप जितना पानी और इसमें ऐड कर लीजिए और उसको गर्म करिए, फिर इसको पीजिए। तो मैंने इसको यहाँ पर इस कप में डाल दिया है। ऊपर से हम इसके ऊपर शहद डाल देंगे। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी स्पाइस टी जो है बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पूरे दिन में हम कितनी सारी चीज़ें अनहेल्दी खाते रहते हैं, तो लिहाजा ब्रेकफास्ट हमें हेल्दी करना है। अगर आप भी परेशान हैं ब्रेकफास्ट में रोज़ाना क्या खाएं, क्या बनाएं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ब्रेकफास्ट की अच्छी अच्छी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर।